ओके सो 30,000 रुपए के अंदर एक एंट्री लेवल गेमिंग पीसी बन सकता है, आज की डेट पे पॉसिबल है। सो बेसिकली आज हम यहाँ पे लेकर आ चुके हैं 6 कोर 12 थ्रेड्स के ऊपर बेस्ड 5600G के साथ पीसी बिल्ड, जो कि 29,000 के अराउंड पड़ जाता है, मतलब कि अराउंड आपको 30,000 रुपए का ये पीसी पड़ जाता है। कौन से कंपोनेंट्स के अंदर यूज हुए हैं, साथ ही साथ क्या प्राइस पड़ा है हर एक कंपोनेंट का, सब कुछ आपको बताएंगे। और अगर आपको ऐसे 30,000 का, 40,000 का या फिर 50,000 का, नहीं तो कितने भी बजट का आपको पीसी बिल्ड करना है, आप हमारे शोरूम पे आ सकते हो, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मतलब कोई कंपोनेंट्स परचेज करने हमारे वेबसाइट से, तो हमारे वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहां से आप परचेज भी कर सकते हो पीसी कंपोनेंट्स, काफी अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने पसंद है तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, और हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिलवा लेते हैं हमारे भाई से, बहुत ही ज्यादा क्यूट है हमारा भाई, जो कि मतलब जिनका ये पीसी बिल्ड हो रहा है। आपका नाम क्या बताया था? अंतोरा, राइट? इधर आ जाओ। तो ये हमारे अंतोरा भाई जिनका यहाँ पे पीसी बिल्ड हो रहा है। तो बेसिकली क्या करना है आपको, मतलब इस वाले पीसी में, एक सेकंड बताओ क्या करना है। गेम खेलूंगा। अच्छा, गेम खेलना है। कौन सा गेम खेलना है? माइनक्राफ्ट। अच्छा, माइनक्राफ्ट खेलना है। जी हाँ गाइस, ये जो इनका पीसी बिल्ड हो रहा है ना, ये माइनक्राफ्ट यहाँ पे प्ले करवा सकते हैं। GTA 5, माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स काफी अच्छे से प्ले करवा सकते हैं। और साथ ही साथ शायद इनको थोड़ा बहुत एडिटिंग भी करना है, तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके इस वाले पीसी के लिए। तो पहला यहाँ पे जो कंपोनेंट यूज किया जा रहा है वो AMD का Ryzen 5 5600G 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आ जाता है। और बेसिकली अगर आप यहाँ पे बजट पीसी बिल्ड कर रहे हो, उसके अंदर ये प्रोसेसर एक काफी अच्छा ऑप्शन रह सकता है। ये आपको यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करवा सकता है बेसिक लेवल का 1080p के ऊपर। और आपका अगर यहाँ पे गेमिंग करना है, जैसे इन्होंने बोला इनको यहाँ पे माइनक्राफ्ट खेलना है, GTA 5 खेलना है लो सेटिंग्स के ऊपर, ये प्रोसेसर उसके अंदर आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, मतलब जो बजट पीसी बिल्डर्स हैं उनके लिए प्रोसेसर बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा मदरबोर्ड, एंड मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पे एक गीगाबाइट का B450M DS3HV2 मदरबोर्ड यूज किया जा रहा है। इसका VRM सेक्शन यहाँ पे बेसिक मिल जाता है, मतलब इस वाले CPU को बहुत आराम से हैंडल कर सकता है। AMD का 3000, 4000, 5000 सीरीज के प्रोसेसर को ये सपोर्ट कर जाता है। इसके अंदर आपको M.2 का स्लॉट मिल जाता है, 4 RAM स्लॉट मिल जाता है। तो इनकेस अपग्रेड करना है, प्लेटफॉर्म सपोर्ट आपको अच्छा मिल जाता है, मतलब AMD के काफ़ी सारे CPUs का सपोर्ट मिल जाता है। आपको यहाँ पे 4 RAM स्लॉट मिल जाता है, आप अच्छा खासा RAM ऐड कर पाओगे इसके अंदर, विच इज़ रियली गुड। एंड इसके अंदर जो हम यहाँ पे RAM यूज़ कर रहे हैं वो हमारा XPG का D30 8GB का एक सिंगल RAM स्टिक। जी हाँ, 30,000 के नीचे हमारा बजट था, दैट इज वो यहाँ पे एक सिंगल स्टिक यूज किया जा रहा है, जो कि XPG की तरफ से आता है। एंड 3200 MHz के ऊपर ये जो RAM है यहाँ पे क्लॉक्ड है, और मेरे ख्याल से 8GB का RAM लाइक स्टार्टिंग के लिए ठीक है, बट अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा और मतलब वर्कलोड ज्यादा होता है तो उसके अंदर 16GB RAM लगाना पड़ेगा। इस वाले RAM स्टिक का कुछ 1900 रुपीज के आसपास प्राइस पड़ जाता है आपको। और यहाँ पे स्टोरेज के अंदर यूज किया गया है XPG का S5, जो कि 512GB का SSD है। बेसिकली देखो, बजट सिस्टम है उसके हिसाब से 500GB का NVMe या फिर 512GB का NVMe काफी इनफ रहने वाला है। इसके अंदर विंडोज, छोटे मोटे गेम, सॉफ्टवेयर अच्छे खासे बहुत ही आराम से आ जाएगा, और स्पीड भी अच्छा खासा मिल जाएगा इसके मदद से, और ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिवनेस होगा हमारे सिस्टम का वो भी अच्छा खासा मिल जाएगा With this SSD। और इसके अप्रोक्स आपको प्राइस पड़ जाएगा 2700 रुपीज, मतलब 2700 रुपए में आपको NVMe SSD मिल रहा है और 500GB का मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और देखो लास्टली पावर सप्लाई के अंदर हमने चूज किया है क्लैरियन का JMPS920, एक 800W का पावर सप्लाई। पावर रिक्वायरमेंट हमारा बहुत ज्यादा नहीं है, स्टिल हमने ये वाला पावर सप्लाई चूज किया है, कुछ अप्रोक्स 1000 रुपए का पड़ जाता है ये पावर सप्लाई। एंड अगर आप ये पावर सप्लाई लगाते हो, इसके साथ में आप जाके इन फ्यूचर 1650 तक का ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, ठीक है। बाकी हमारे ऐसे APU बेस्ड सिस्टम के लिए ये पावर सप्लाई मोर देन इनफ रहने वाला है, और बहुत आराम से हमारे पावर रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर देगा ये पावर सप्लाई। और लास्टली यहाँ पे जो कैबिनेट यूज किया जा रहा है वो हमारा क्लैरियन का ही JM एरो, जिसके अंदर आपको 4 फैंस मिल जाता है, जिनके RGB को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो थ्रू दिस बटन में भी। ये देखो, बटन के थ्रू आप यहाँ पे RGB को चेंज कर सकते हो। इसके अंदर आपको यहाँ पे डोर मैकेनिज्म मिल जाता है, विच इज रियली गुड। और क्या चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ पे एयर फ्लो मिल जाता है, RGB मिल जाता है, और प्राइस का कुछ अप्रोक्स 3400-3500 रुपए के आसपास पड़ जाता है। और इस बिल्ड के हिसाब से ये कैबिनेट काफी ज्यादा परफेक्ट रहने वाला है। लास्टली ये हमारा कीबोर्ड माउस, जो कि इन्होंने यहाँ पे परचेज किया है, और कीबोर्ड माउस के अंदर एंटी स्पोर्ट्स का KM580 है। मैंने यहाँ पे यूज किया भी इस कीबोर्ड माउस के कॉम्बो को, एंड ओवरऑल बढ़िया है, ठीक है, मतलब फॉर द प्राइस अच्छा है।
कुछ 1100-1200 रुपए का ये कीबोर्ड माउस आपको पड़ जाता है। टोटल बजट आता है हमारा कुछ 29,800-29,900 रुपए के आसपास ही, मतलब ऑलमोस्ट 30,000 पकड़ लो। 30,000 रुपए के अंदर आप कुछ ऐसा एक पीसी बिल्ड कर सकते हो। अब आगे देखो ठीक है कि हम इस वाले पीसी को कैसे बिल्ड करते हैं और आखिरकार देखने में ये पीसी कैसा लगता है। सो लेट्स गो। ओके सो गाइज, यही था आज का हमारा 30,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड। एंड आपके सामने रखा हुआ ये जो पीसी बिल्ड है, एंड आपने इसके शॉर्ट्स भी देख लिए होंगे कि ये पीसी बिल्ड आखिर हमारे वीडियो के अंदर लग कैसा रहा है। और अगर आपको भी ऐसा सिमिलर सा पीसी बिल्ड करने या फिर इससे ऊपर के बजट का पीसी बिल्ड करने, डेफिनेटली हमारा जो स्टोर है आप विजिट कर सकते हो। नंबर भी आपको मिल रहा होगा, आप कॉल करके हमसे पीसी ऑर्डर कर सकते हो, नहीं तो हमारा वेबसाइट है, वो वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और ओवरऑल ये जो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे डेफिनेटली कमेंट के अंदर बताओ। और मिलता है आपको ऐसे एक और कमाल के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।